लेकिन डॉल्फिन्स है ये तो तय बात है। खगड़िया के बागमती नदी में जलीय जीव की गणना को लेकर वाइल्ड कंजर्वेशन ऑफ ट्रस्ट मुंबई के द्वारा यहां भी बागमती नदी में जलीय जीवों की गणना की जा रही है। आए 7 सदस्यीय टीमों के द्वारा बागमती नदी में नाव और बोट की मदद से गणना का कार्य किया जा रहा है। इसमें फील्ड ऑफिसर के साथ साथ उसके अन्य मर्मी और अधिकारियों के द्वारा गणना का कार्य किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि जलीय जीव की गणना करके आंकड़ों को निकाल करके यह तय किया जाएगा कि यहां डॉल्फिन है कि नहीं। उन्होंने कहा कि यह निश्चित ही डॉल्फिन की उपलब्धता है और जलीय जीव की गणना करके इसके सही आंकड़ा मिल सके ताकि सरकार इसके संरक्षण और जीव के बचाव के लिए सरकार पहल करे। अधिकारी ने बताया कि यहां निश्चित ही जलीय जीव शिकार होते हैं, इसके संरक्षण से संख्या में भी बढ़ोतरी होगी और जल की शुद्धता के साथ साथ जल अस्थे पर खतरा भी न हो। उन्होंने बताया कि देश स्तर पर ट्रस्ट के द्वारा कार्य किया जा रहा है। ट्रस्ट के फील्ड ऑफिसर सिंधे क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी बातों को सुनिए। जो जैसे आपने पूछा विशेष उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है डॉल्फिन्स को ये करना, संरक्षित करना, या नहीं संरक्षित नहीं, अभी तो पहले तो काउंट करना जी, और उसको फिर काउंट करने के बाद जो है फिर उस पर चर्चा होगी। क्या इसको माना जाए डॉल्फिन जोन मान ले क्या हम लोग अभी? अभी तो हम नहीं बता सकते हैं, इसको पहले हम लोग देखेंगे, उस पर सोच विचार करेंगे तभी, लेकिन डॉल्फिन्स है ये तो तय बात है जी। हाँ, हम लोग तो अमूमन देखते ही रहते हैं डॉल्फिन, हम लोग नदी के आर पार करने के दौरान मिलती है, तो इसको क्या आंकड़ा है यहाँ पे? आंकड़ा तो अभी हम लोग फिलहाल आज अभी आप देख ही रहे हैं कि सर्वे कंप्लीट किए हैं जी, तो इसके बाद बैठेंगे, कई सारे कैलकुलेशन होते हैं, हिसाब होते हैं, उसके बाद आंकड़ा निकलती है जी। आप सर? मैं सुभाषिश डे, वर्ल्ड वाइल्ड नहीं, फील्ड ऑफिसर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट मुंबई। थैंक यू सर।